हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखा जाए जो भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिन है वो भारतीय जनसंघ, ये भी एक पार्टी थी, भारतीय जना संघ, यहां से ये पार्टी निकल के आई। अब ये जो पार्टी थी ये 1951 में एस्टेब्लिश करी गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, जब इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा 1977 में इस इमरजेंसी को हटाया गया था। उसके बाद इस पर्टिकुलर पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने, कुछ और पार्टियों के साथ मिलकर एक कोलिजन बनाया, गठबंधन बनाया और उस समय कांग्रेस की सरकार को डिफीट करा। और ये जो सरकार थी भारतीय जनसंघ की, ये 1977 से 1980 तक चली। तो 1980 में ये पार्टी का जो कोलिजन था वो टूट गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी भारतीय जनसंघ इस पर्टिकुलर पार्टी के अंदर ही, यही टूट गई थी और इसी में से बीजेपी पार्टी निकल के उभरी थी। जो पूरा कोलिजन था भारतीय जनसंघ और बाकी कुछ और पार्टीज का, उनको जनता पार्टी नाम दिया गया था, जिसको हेड करा था मुरारजी देसाई ने, वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1977 से 1980 तक। तो शुरू में अगर देखा जाए जो बीजेपी थी वो काफी अनसक्सेसफुल रही है। जो 1984 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें उन्हें थोड़ी सी बढ़त मिली जब उन्होंने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया कि वहां पर अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद बनी है वहां पर पहले राम जी का मंदिर था और वो मंदिर वहां पर वापस बनना चाहिए। इस बलबूते पे उनके फिर जो लोकसभा सीट्स थी वो इंक्रीज होना चालू हुई। आखिरकार 1996 में बीजेपी पहली बार सबसे ज्यादा सीट्स पाने वाली पार्टी बनी लोकसभा में, बट उस समय भी उनके पास इतनी सीट्स नहीं थी जिससे वो एक मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। और इनकी पार्टी को हेड करा था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कि गवर्नमेंट चली थी मात्र 13 दिन के लिए। इसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा था जब उनके पास क्लियर मेजोरिटी वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। फिर देखा जाए 1998 में फिर से जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें फिर अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे। इनका कोलिजन बना था, इनका जो कोलिजन बना था वो कुछ और पार्टीज के साथ बना था और इनके कोलिजन का नाम था एनडीए, जैसे अपन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं। इस समय भी इनकी जो क्लियर मेजोरिटी थी वो एक साल तक चली, 1998 से 1999 तक, क्योंकि इनके कोलिजन में एक पार्टी थी एआईएडीएमके, जिन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। क्योंकि ये जो कोलिजन था ये पूरा राइट विंग नहीं था, जैसे बीजेपी मानी जाती है एक राइट विंग पार्टी, पर इसमें जो कोलिजन में बाकी जो और पार्टीज थी वो कोई लेफ्ट विंग थी, कुछ ऐसी कम्युनिस्ट पार्टीज थी, तो इनकी आइडियोलॉजीज मैच नहीं हो रही थी। इस वजह से ये जो कोलिजन था ये एक साल में टूट गया और ये गवर्नमेंट वापस बिखर गई। आखिर फिर 1999 में फिर से जनरल इलेक्शंस हुए, इस बार बीजेपी ने क्लियर मेजोरिटी पाई और पूरी 5 साल की गवर्नमेंट को इन्होंने लीड करा। तो 1999 से 2004 तक इन्होंने पूरे गवर्नमेंट को 5 साल तक चलाया। तो ये पहली बीजेपी पहली नॉन कांग्रेस पार्टी मानी जाती है जिसने अपना पूरा 5 ईयर का टेन्योर कंप्लीट करा। इसके बाद देखें तो बीजेपी पे काफी एलिगेशंस भी लगे हैं, जैसे एक गुजरात रायट्स हुआ, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद जो अयोध्या, जो राम जन्मभूमि है, इसके ऊपर भी काफी इन पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब अगर अपन मेन आइडियोलॉजी की बात करें बीजेपी की, लोग कहते हैं कि बीजेपी की मेन आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। देखा जाए तो ये हिंदुत्व वर्ड के साथ बीजेपी की कुछ और आइडियोलॉजीज भी है, जैसे अपन बोलते हैं हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिज्म बोलते हैं। इसके अलावा कंजर्वेटिज्म। अब ये कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म मतलब होता है कि वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा जो इतिहास था उस इतिहास को वापस रिनोवेट करा जाए, उस इतिहास के बलबूते पे हमारे जो ट्रेडिशंस थे हम उनको ही फॉलो करें और हम वेस्टर्नाइज ना होते जाए, हम दूसरे के कल्चर को बिना देखे ना अपना ले, हम अपने कल्चर को ही फॉलो करें। इसके अलावा आत्मनिर्भर बने, मीन्स जितना भी हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो हमारी कंट्री में होना चाहिए, कैपिटलिज्म इतना नहीं होना चाहिए। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी आ जाए तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंज करा और कंप्लीट कैपिटलिज्म पे फॉलो करा। अब कैपिटलिज्म क्या है? जो ग्लोबलाइजेशन होता है, मतलब दूसरी कंट्रीज का भी जो प्रोडक्ट है वो हमारे देश में आके लोग बेच सकते हैं, है ना, उसे अपन बोलते हैं कि हमने अपनी इकोनॉमी को हमारे मार्केट्स को क्या कर दिया, खोल दिया। इसके अलावा सबसे एक और इंपॉर्टेंट बीजेपी की आइडियोलॉजी मानी जाती है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। अब इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म क्या है? इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म में 3 चीजें आती है, वो 3 चीजें होती है स्वदेशी, सर्वोदया और ग्राम स्वराज। अब सर्वोदया की बात करें तो होता है प्रोग्रेस ऑफ ऑल, मतलब सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है, ये कोर आइडियोलॉजी, मतलब ऑफिशियल आइडियोलॉजी है। दूसरी बात करें तो स्वदेशी, स्वदेशी मतलब वही डोमेस्टिक, आप मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो अपने देश में खुद करो, ये इनकी ऑफिशियल है, भले इन्होंने बाद में अपनी पॉलिसीज में शिफ्ट करा। और तीसरा क्या है? ग्राम स्वराज, मतलब विलेज की जो लाइफ है विलेज को भी बिल्कुल इक्वल बनाना है अर्बन एरियाज जैसा।
तो ये इनकी तीन सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज मानी जाती है। इसके अलावा बात करें, जब बीजेपी पावर में आने के लिए जब उस समय स्ट्रगल कर रही थी, तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें दी थी। पहला, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे अगर पावर में आते। दूसरा, आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा देंगे। और तीसरा, राम जन्मभूमि, वहां पर मतलब राम जी का टेम्पल बनना चाहिए। तो ये तीन जो इनके इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ये शुरू से ही चल रहे हैं। आखिरकार इनमें से दो चीजों को उन्होंने इंप्लीमेंट करवा दिया था, जिसमें से एक 2019 में आर्टिकल 370 इन्होंने हटा दिया था जम्मू कश्मीर से, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था 2019 में कि वहां पर राम टेम्पल बनेगा और ट्रस्ट को वो जमीन सौंप दी गई थी। इसके अलावा देखें तो 2004 में जब इलेक्शंस हुए थे, तो उस समय लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हारेगी। तो उस समय बीजेपी हार के वापस कांग्रेस पार्टी में आई थी। उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी लीड कर रहे थे, मींस वो प्रेसिडेंट थे। इसके बाद 2009 में फिर से जब इलेक्शंस हुए, तो बीजेपी को और कम सीट्स मिली, 116 सीट्स मिली टोटल, 543 सीट्स में से 116 ही सीट्स मिली। इसके अलावा देखा जाए 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने बीजेपी को लीड करा, इसके बाद फिर बीजेपी में काफी ज्यादा क्या आया, बूस्ट आया। अब इनकी सीट्स बढ़ती, 2019 में भी इनकी सीट्स और ज्यादा बढ़ी है। थोड़ी सी और हिस्ट्री की बात करते हैं अपन, कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से बीजेपी के काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, काफी उनकी तारीफ भी होती है। सबसे पहले देखा जाए तो राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट था, ये काफी ज्यादा क्रिटिकल एक मूवमेंट माना जाता है। इस मूवमेंट को लीड करा था आडवाणी ने। अब जो आडवाणी थे 2009 में बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, और जब ये राम जन्मभूमि का जो ये मूवमेंट चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी बीजेपी के थे, कल्याण सिंह। इस वजह से बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स के नाम आए थे जिन्होंने इस मूवमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करा था। इस वजह से भी बीजेपी का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। इसके अलावा बात करें, बीजेपी के ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, जैसे बीएचपी हुआ, वीएचपी, फिर वुमेन्स का एक अलग विंग है, यथ का एक अलग विंग है, वर्कर्स के अलग विंग है, और बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, जिसमें 2019 के आंकड़ों के अनुसार अराउंड 18 करोड़ लोग बीजेपी पार्टी में रजिस्टर्ड है। ये माना जाता है कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो आरएसएस से मिली है। काफी ज्यादा जो बीजेपी के लीडर्स है वो भी आरएसएस से ही आए। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पॉलिसीज को काफी मॉडरेट रखा था, जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, तो काफी इनकी पॉलिसीज क्या थी, काफी मॉडरेट थी। उस समय आरएसएस के बहुत सारे वर्कर्स ने इसका अपोज करा, इवन बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का इस वजह से अपोजिशन करा था। 2002 में गुजरात वायलेंस भी हुआ था, जो कि काफी एक क्रिटिकल चीज मानी जाती है बीजेपी की हिस्ट्री में। उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो क्या हुआ था, एक ट्रेन थी जहां पर हिंदू पिलग्रिम एक यात्रा करके लौट रहे थे, तो उसमें क्या हो गई थी, आग लग गई थी, जिस वजह से लगभग 60 हिंदू पिलग्रिमेज की मौत हो गई थी। इस वजह से काफी ज्यादा रायट्स हुए थे गुजरात स्टेट में हिंदू मुस्लिम के बीच में, जिसमें लगभग 2000 लोग थे वो मारे गए थे। तो इस वजह से काफी ऐसे बीजेपी के लीडर्स के नाम आए थे जो इस कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड थे, जिन्होंने इस रायट्स को कंडक्ट करवाया था। बाद में फिर 2013 में नरेंद्र मोदी और बाकी जितने भी लीडर जिनके नाम आए थे उनको फ्री कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब उनके खिलाफ इतने सबूत नहीं मिले थे। इसके अलावा देखें तो इंडिया में अभी मैक्सिमम स्टेट्स में बीजेपी रूल कर रही है। 29 स्टेट्स में से लगभग 18 स्टेट्स में बीजेपी या तो डायरेक्ट रूल कर रही है या उनका कोलिजन है। अब बात करते हैं आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पोजीशंस की। सो पॉलिटिकल पोजीशंस की अगर बात करें, तो बीजेपी में अकेला एक प्रेसिडेंट नहीं है, काफी ऐसे सेक्रेटरी माने जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर आता है प्रेसिडेंट, जो कि फिलहाल अभी जेपी नड्डा है। इसके बाद एक जनरल सेक्रेटरी होते हैं, इसके बाद पार्लियामेंट्री चेयर्स पर्सन होते हैं, फिर लोकसभा के लीडर होते हैं, राज्यसभा के लीडर होते हैं, फाउंडर होते हैं, ऐसे काफी ज्यादा माने जाते हैं इनके पॉलिटिकल पोजीशंस। आइडियोलॉजी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या क्या इनकी आइडियोलॉजीज रही है। सबसे पहले हिंदुत्व इनकी मेन आइडियोलॉजी है, जो हिंदू नेशनलिज्म कहलाती है, कंजर्वेटिज्म कहलाता है, एक इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म भी कहलाता है। साथ में इन्होंने अपनी पॉलिसीज में काफी चेंज करा, जब इनके इलेक्शंस में काफी हार रहे थे, 2009 में भी हार थे, 2004 में भी हार थे, तो 2014 में इन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज में काफी ज्यादा चेंज करा। तो अब इनकी आइडियोलॉजी क्या है, मैक्सिमम इनकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म पर करती है और काफी एग्रेसिव मानी जाती है। अपन जैसे नेशनलिज्म की अगर बात करें ना, अगर कोई पार्टी खुद को नेशनलिस्ट कह रही है, इसका मतलब क्या है, उनकी पॉलिसीज काफी ज्यादा एग्रेसिव होगी, और ऐसी पार्टीज देश हित के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। मींस वो काफी ज्यादा एग्रेसिव रहती है फॉरेन उन कंट्रीज से जो देश के पॉलिसीज में हस्तक्षेप करते हैं, मींस उसमें अपनी टांग अड़ाते हैं। इस वजह से अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज देखेंगे, आपको काफी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन और अगर अपन उसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे ऊपर क्या होता है, एक नेशनल प्रेसिडेंट होता है, जो कि बताया कि कौन है, जेपी नड्डा है। इसके नीचे क्या आते हैं, नेशनल काउंसलर आते हैं, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव आते हैं,
यहाँ पर एक स्टेट प्रेसिडेंट होता है, हर स्टेट का खुद का एक प्रेसिडेंट होता है, पार्टी प्रेसिडेंट, उसके नीचे स्टेट काउंसलर आते हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर्स आते हैं, फिर अलग अलग लोकल कमिटीज के मेंबर्स आते हैं, इधर भी देखा जाए नेशनल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसके नीचे भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स आते हैं अलग से, इलेक्शन के जो सेंट्रल कमेटी में होते हैं उसमें भी अलग अलग मेंबर्स होते हैं हर पार्टी के, तो ये इसका स्ट्रक्चर माना जाता है बीजेपी का। इसके बाद देखते हैं जनरल इलेक्शंस के कुछ रिजल्ट। तो देखा जाए तो 1984 में पहली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ये 8th लोकसभा माना जाता है, मतलब 8वां जनरल इलेक्शन जिसमें इनको 543 में से मात्र 2 सीटें मिली थी। तो आपको मैं इस बारे में बता चुका हूं कि उस समय इनकी जो पॉलिसीज थी काफी मॉडरेट थी, बाद में इन्होंने ये जो हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी है इसको और आगे बढ़ाया, जिस वजह से लोग क्या हो पार्टी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। इस समय भी लाल कृष्ण आडवाणी ने ही लीड करा था, ये पार्टी लीडर थे 9th लोकसभा और 10th लोकसभा में, यही लीडर थे। अब जब ये एकदम से बूम कैसे हुआ, 2 से 85 कैसे हुआ, जब इन्होंने राम जन्मभूमि का ये जो मुद्दा है ये उठा दिया कि वहां पर तो टेंपल बनना चाहिए, फिर और सीटें बढ़ी 1991 में, 1996 में सबसे ज्यादा सीटें मिली इनको लोकसभा में, बट यहां पर 13 दिनों तक ही सिर्फ सरकार चल पाई क्योंकि ये क्लियर मेजोरिटी प्रूफ नहीं करता। क्लियर मेजोरिटी कैसे प्रूफ करेंगे, 543 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 271, मतलब 272 सीटें आपको चाहिए लोकसभा में अगर आपको वहां पर सरकार बनानी है, तो वो इतनी सीटें नहीं बना पाए, बाकी इसे कोलिजन में फॉर्म नहीं कर पाए। इसके बाद 1998 में 12th लोकसभा जो इलेक्शन हुआ उसमें इनको 182 सीट्स मिली, इसमें भी इन्होंने सरकार बनाई बट एक साल के लिए, सिर्फ एक साल के लिए सरकार बनी, सरकार टूट गई क्योंकि वहां पर एक पार्टी थी जिसकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग थी, जो कॉपरेट नहीं कर पा रही थी बीजेपी के साथ, जो AIADMK थी, उसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। इसके बाद 14th लोकसभा इलेक्शन हुआ, 13th लोकसभा इलेक्शन हुआ, इसमें इनको फिर से 182 सीट्स मिली, यहां पर इन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करा। 2004 लोकसभा इलेक्शन में 138 सीट्स मिली, और फिर 2009 में सीट्स और कम होकर 116 हो गई। इसके बाद 2014-2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और यहां देखा जाए तो यहां लिखा भी हुआ है कि गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म कर लिया। अब देखते हैं करंट पोजीशन क्या है बीजेपी की। सो देखा जाए तो बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, काफी इन पे ऐसे उंगलियां उठती है, पर काफी ज्यादा सपोर्ट भी करा जाता है मेन इनकी आइडियोलॉजीज पर। सबसे पहले राइट विंग की पार्टी मानी जाती है जो कि आज ऑफिशियली नहीं बट अनऑफिशियली काफी ज्यादा कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है। इसका वाले लिखा जाए तो हिंदू नेशनलिज्म, तो लोगों का काफी मानना है कि जो इसकी पॉलिसीज होती है वो काफी ज्यादा हिंदूज को फेवर करती है। ऐसे काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स खुद प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए हैं, जैसे कि सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे बहुत सारे इन्होंने अभियान भी चालू करे हैं जिससे पूरी कंट्री को एक करा जा सके। बट जो इनकी मेन ऑफिशियल आइडियोलॉजीज है वो कैपिटलिज्म है, वो हिंदू नेशनलिज्म है, और जो इंटरनल ह्यूमनिज्म होता है ये इनकी ऑफिशियल आइडियोलॉजीज है। तो मुझे लगता है कि आपको बीजेपी का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।